टिश्यू भी कहा जाता है और वो एक ऐसा पैटर्न है जो कुदरत में हर जगह नजर आता है, इंसान के शरीर में भी। आप इसे देखिए, एक इंसान की कुल लंबाई का रेशियो उसके धड़ के 1.6 के बराबर होता है। हमारी बाह में भी यही होता है। हमारे फोरआर्म आमतौर पर हमारे पूरे हाथ से 1.6 गुना लंबे होते हैं। हमारी उंगलियों की हड्डियां भी अपने से पहले वाली उंगलियों से 1.6 गुना लंबी होती है। ये तो हमारे डीएनए में भी है। उसकी एक सीक्वेंस की लंबाई मॉलिक्यूल की चौड़ाई से 1.6 गुना ज्यादा होती है। माना तो यही जाता है कि इस प्रोपोर्शन का पता सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर और मैथमेटिशियन पाइथागोरस ने लगाया था। कहा तो ये भी जाता है कि पाइथागोरस ने अपने फॉलोअर्स से कहा था कि वो फाई का नाम भी ना ले, वो उसे एक डिवाइन सीक्रेट मानते थे। मुझे लग रहा है कि कहीं वही रेशियो ट्रैक पर भी एक बड़ा फैक्टर तो नहीं है। आपको याद है जब मैं उन हैंडीकैपर से मिला था तो उन्होंने क्या कहा था? ज्यादातर घोड़े वो नहीं कर पाते जो पिछली बार किया था, इसलिए मैं वो घोड़ा देखता हूँ जिसका परफॉर्मेंस आज अच्छा हो। घोड़े अपना पीक परफॉर्मेंस एक साइकिल में दोहराते हैं, इसलिए मैं पहले के कुछ डर्ट रेसेस देखता हूँ, फिर उससे उभरने वाले पैटर्न का अंदाजा लगाता हूँ। वो लोग किसी चक्कर में है, लेकिन मैं यहाँ एक बड़ा खास पैटर्न देख रहा हूँ जो उससे भी ज्यादा गजब का है। अगर मैं यहाँ सेंटा अनीता में होने वाली डेली रेस में घोड़ों को देखूं और फिर उनके पिछले परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स को देखूं, तो मुझे उन दोनों रेस के बीच का अंतर पता लगता है। मैं उनके टाइम स्केल को देख सकता हूँ, उनके पुराने रेस टाइम से मुझे पता लग जाएगा कि कौन सा घोड़ा तेज होता जा रहा है। लेकिन गोल्डन रेशियो की मदद से मैं और बेहतर कर सकता हूँ। मुझे तलाश है उस घोड़े की जिसका टाइम गोल्डन रेशियो 1.618 के ज्यादा से ज्यादा करीब पहुँच रहा है। इस रेस में मेरी नजरें एक नंबर के घोड़े पर टिकी, उसका टाइम लगातार गोल्डन रेशियो के करीब पहुंचता जा रहा है। मैं आपको समझाता हूं। बता। 8 रेसेस देखने के बाद मैंने पाया कि इस घोड़े की रफ्तार बढ़ी है। पहले 0.72 सेकंड, फिर 1.3 और फिर 1.39। पिछली बार वो रफ्तार 1.59 सेकंड तक गई थी। आप देख सकते हैं कि टाइम कैसे कम हो रहा है। जो सेकंड कम हो रहे हैं वो धीरे धीरे गोल्डन रेशियो 1.61 के करीब पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए मुझे लग रहा है कि वो आज टॉप 3 में से एक होगा। फिर सोचना क्या है, मैं अब बाजी लगाऊंगा और देखूंगा कि मेरी इंस्टिंक्ट सही है या नहीं। हाँ। आपको याद है ना कि हम सभी अपने बायसेस लेकर ट्रैक पर जाते हैं। आप कह सकते हैं कि लेकिन अगर वो इंसान के शरीर सही है तो मैं यहाँ भी उसका ही भरोसा करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी को गोल्डन रेशियो के हिसाब से ही घोड़ों पर पैसा लगाना चाहिए, लेकिन मैं तो यही करूँगा। ये वो है जो कुदरत में हर जगह नजर आता है और इससे मुझे लगता है कि ये हर जगह अपना कमाल दिखा सकता है। ये बात बोला, बहुत अच्छी बात बताएगा जिसने लाखों रुपए की बात बताया। 1.6 भोसड़ी का नंबर तो बता। कहा था ना, घोड़ा नंबर एक गोल्डन रेशियो। ये सब बताने का ये मतलब नहीं है कि आप गोल्डन रेशियो के मुताबिक ही घोड़े पर पैसे लगाएं। वो एक ऐसा पैटर्न है जो हर जगह नजर आता है और सही बात बोला, रियलिटी को भी डिकोड कर सकता है। एकदम सही बोला। कहीं मत जाइए, क्योंकि मैं मौकाए वारदात की ओर जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे वेगस से क्यों भगाया गया था। मुझे लगता है किंग है। सही कहा ना, ये इस शहर का सबसे बड़ा आकर्षण है और मैं फिर से आकर्षित हुआ। गाजी सट्टे नंबर में कुछ सोच।